जब बात की जाए फैशन की, सनग्लासेस जो है वो आप टॉप रैंक करती है। एक अच्छी सनग्लासेस जो है वो आपके फैशन लेवल को यहाँ से यहाँ पे पहुँचा सकती है। Hey guys, welcome back to my channel. This is Abdul Rahman. We're on the Fashion Fellas. So, आज की इस वीडियो में हम फेस शेप से रिलेटेड बात नहीं करने जा रहे क्योंकि फेस शेप जो है वो बहुत ज्यादा लेंथी टॉपिक हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ तीन चीजों को देखेंगे। फर्स्ट आपके फेस की लेंथ, विड्थ एंड जॉ लाइन। सबसे पहले टाइप है लॉन्ग लेंथ। लॉन्ग लेंथ पे आपकी फेस की जो विड्थ और लेंथ रहती है वो हाई रहती है और उसके लिए आपको सनग्लासेस की लेंथ जो है वो हाई चूज करनी है, यानी कि जो है वो बड़े सनग्लासेस। अगर आप देखें लॉन्ग लेंथ की जो सनग्लासेस होती हैं उसके जो मिरर होते हैं वो थोड़े बड़े रहते हैं और उसका जो फ्रेम होता है वो भी थोड़ा बड़ा रहता है। सेकंडली आपने ये देखना है कि आपकी फेस की लेंथ और जो विड्थ है वो मीडियम हो। अगर आपकी फेस की लेंथ और विड्थ जो है वो मीडियम होती है तो उसके लिए आपको मीडियम लेंथ के मिरर और मीडियम लेंथ का फ्रेम चूज करना चाहिए। इससे ये होगा कि आपकी सनग्लासेस जो है आपके चेहरे के और ज्यादा ऊपर के आएंगे। अब आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं, एक पिक्चर में जो है वो मीडियम लेंथ का फ्रेम यूज किया गया और एक पिक्चर में जो है वो लॉन्ग लेंथ का फ्रेम यूज किया गया है, लेकिन इनकी फेस की शेप जो है वो लॉन्ग है तो इसके लिए इनको लॉन्ग वाली ज्यादा सूट करी है एज कम्पेयर टू मीडियम लेंथ। स्क्वायर एंड राउंड फेस शेप के लिए भी आपको मीडियम लेंथ चूज करनी है क्योंकि जो स्क्वायर और राउंड फेस शेप होती है वो भी आपकी तकरीबन जो है वो मीडियम फेस शेप के अकॉर्डिंग रहती है। अब हम बात करने जा रहे हैं विड्थ के ऊपर। विड्थ को आप ऐसे मेजर कर सकते हैं, विड्थ को आप अपनी चीक बोन्स के जरिए मेजर कर सकते हैं। ये जो चीजें होती हैं ये आपकी चीक बोन्स कहलाती हैं। सो इसके अकॉर्डिंगली अगर आपने अपने ग्लासेस को चूज करना हो तो आपने देखना है कि आपकी जो ग्लासेस हैं वो इन चीक बोन्स के अंदर रहनी चाहिए। अगर आपकी ग्लासेस जो है वो चीक बोन्स से बाहर रहेंगी तो और ज्यादा ऑकवर्ड लगेंगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जॉ बोन और जॉ लाइन। जॉ लाइन दो टाइप्स की होती है, एक राउंड होती है और एक स्ट्रक्चर्ड होती है। आपने देखना है कि अगर आपकी जॉ लाइन स्ट्रक्चर्ड है तो उसके लिए आपको राउंड मिरर्स या राउंड फ्रेम वाली जो ग्लासेस हैं वो चूज करनी है, और अगर आपकी जॉ लाइन राउंड है तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर्ड मिरर या स्ट्रक्चर्ड फ्रेम जो है वो चूज करना। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो और सनग्लासेस। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज अच्छी लगी हो या भी हल्की सी भी बात जिसने आपके फैशन सेंस को इंप्रूव किया हो तो उसके रिगार्डिंग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो अभी तक ऑन दी गई हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।